प्राथमिक विद्यालय करौंदा मसना में भूमि पूजन कर किया गया बाउंड्री वॉल का शिलान्यास SDM डॉक्टर ललित कुमार मिश्र के मौजूदगी में भूमि पूजन का हुआ आयोजन। आपको बता दें, जनपद सिद्धार्थनगर के विकासखंड जोगिया अंतर्गत ग्राम पंचायत करौंदा मसना के प्राथमिक विद्यालय का बाउंड्री वॉल जो कि काफ़ी दिनों से अटकले बनी थी, जिस पर कि कई बार इस पर नपैया किया गया, इस पर नाप झोंक किया गया, मगर यह बाउंड्री वॉल किसी कारण नहीं लग पाई। लेकिन आज SDM ललित कुमार मिश्र की मौजूदगी में व खंड शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया और इसका शिलान्यास किया गया, जहां पर सभी ग्रामीण लोग भी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान SDM ललित कुमार मिश्र ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। करौंदा मसना में आज भूमि पूजन हुआ, किस उद्देश्य हुआ, क्या प्रोग्राम हुआ? करौंदा मसना में बाउंड्री वॉल था प्राथमिक विद्यालय का, तो उसी के संदर्भ में सभी ग्रामीणों ने सहयोग किया, उसी संदर्भ में एक बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन किया गया। और जिस ये सरकार का दिशा निर्देश भी है कि सभी विद्यालय बाउंड्री वॉल के तहत हो और कायाकल्प योजना के तहत भी आच्छादित है, उसी संदर्भ में आज भूमि पूजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामीणों ने सहयोग किया और आने वाले भी समय में भी जो भी बाउंड्री लेस हैं उनको भी बाउंड्री के तहत किया जाएगा। सर, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है सर कि बाउंड्री लगना जो लग रहा है यहाँ पर, सर धार्मिक कार्यक्रम में कुछ होती थी और बाजार सप्ताही लगते हैं, इस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं, ग्रामीणों ने भी इसकी पहल की है, बाउंड्री के वो स्वयं चाहते थे और दूसरी बात जो उनके कार्यक्रम पहले से चलते थे उसी हिसाब से होते रहेंगे, क्योंकि सबके सहयोग से ही तो काम होता है और ये जनता के हित में ही है और सारे ग्रामीणों का इसमें सहयोग है, उनके जैसे भी क्रियाकलाप होते थे वो यथावत रहेंगे। ठीक है सर, करौंदा मसना प्राथमिक विद्यालय पर आप आए हैं सर, क्या है पूरा मामला, क्या हो रहा है? करौंदा मसना चूँकि शासन के द्वारा ये बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है कि कायाकल्प के तहत सभी विद्यालयों को 19 पैरामीटर से सैचुरेट किया जाए, उसी संबंध में यहाँ करौंदा मसना प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल के लिए धनराशि SMC खाते में आई है और बाउंड्री वॉल बनवाना उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए थे और बाउंड्री वॉल का पूजन था, वो शिलान्यास था, उसी संबंध में SDM साहब भी आए थे और उन्होंने विधिवत शिलान्यास किया। सभी ग्रामीणों का इस कार्यक्रम में सहयोग रहा, उनकी भी इच्छा है कि ये विद्यालय की जो बाउंड्री ये जमीन है ये बाउंड्री से युक्त हो जाए, संतृप्त हो जाए और उसमें सबका सहयोग रहेगा, जो पूर्व की तरफ जो भी कार्यक्रम होते रहे हैं वो विद्यालय में उस प्रांगण में वो होते रहेंगे और विद्यालय वो प्रांगण जब बाउंड्री वॉल से सुरक्षित हो जाएगा तो बच्चों की जो गतिविधियां वो भी वहाँ समय समय पर होती रहेंगी और तमाम प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहे वो गांव से संबंधित हो या विद्यालय से वहाँ होते रहेंगे। बच्चों के लिए सर कोई खेलने की कोई सुविधा है वहाँ पर? बच्चे वहाँ जब वो बाउंड्री वॉल से वो संतृप्त हो जाएगा तो वहाँ कुछ प्ले ग्राउंड से संबंधित इक्विपमेंट वहाँ लगवाए जाएंगे, जैसे अभी हमारे यहाँ आंगनवाड़ियों में जैसे बाल वाटिका में अभी धोबहा में एक विद्यालय में शीशा लगा हुआ है, स्लाइड लगी हुई है, तो यहाँ भी जब ये चीज़ बाउंड्री से संतृप्त हो जाएगा ये विद्यालय तो वहाँ भी शीशा और राउंड अबाउट और सारी चीज़ें जो है लगवाई जाएंगी, क्योंकि बाल वाटिका भी वहाँ है तो बच्चों उस पर अपना जो खेल से संबंधित गतिविधियाँ कर सकें। आपका नाम सर? कुंवर विक्रम पांडे, BO जोगिया।